अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज भाई हम आरएस लाए हैं, तो इसका एक जो फुल इन ऑल मेन फीचर है सेडान में लेन असिस्ट वाला, ऑटो लेन असिस्ट, वो सिविक में भी लॉन्च कर दिया है कंपनी ने, एजेंसी ने। पुरानी सिविक में बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारे साथ हैं हमारे बाबा और ये हैं भाई हंसला साहब। भाई हंसला उर्फ चलो भाई बाद में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने लेन असिस्ट ऑप्शंस, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहा लेन असिस्ट ऑप्शंस, इसको ऑन करेंगे और इसकी आज टोटल ओवरऑल वर्किंग दिखाएंगे। ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं और क्या फीचर है जिनसे पता चलता है। चलिए ऑन करें। अब यहाँ हमने क्या किया, लेन ऑन कर दी, फीचर हो गया ऑन 80% पे लॉक है गाड़ी जी। लेन असिस्ट अभी ऑन करना है ना, ये लेन असिस्ट। अच्छा ये रहा लेन असिस्ट, ऑन करें इसे। ये ऑटो लेन असिस्ट हो गया, मतलब अब इस गाड़ी की वर्किंग खुद है, खुद वर्किंग कर, हैंडलिंग खुद करेगी। ओ वाओ, करी ना अभी इसकी। ये हैंड रिक्वायरमेंट दे रहा है, स्टीयरिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, खुद हैंडल करेगा ये। इसको मैं अगर इधर करूंगा भी ना, ये देखो तो ये नहीं उधर जा रही, वो देखो वापस आ रही, देखो वापस लेके। Wow, that's great. Expensive feature. इसमें एक और भी है क्या, वो जो उन्होंने रह दी हुई है ना ये पीछे, जो डिजिट नहीं लगाया जी, उनको अगर गाड़ी यानी कि आप ज्यादा फासले पे सेट करना चाहते हैं, कम फासले पे करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन होती है, मतलब के ऑटो ब्रेक वाली। अच्छा ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम भी है। हाँ जी, ये देखे, मतलब गाड़ी ये जा रही है ना जी, जा रही है, ये मैंने गाड़ी की दौड़ लगा दी, ठीक है लगा दी। अब मैंने इस क्रूज को सेट कर दिया, ये देखे मैंने 120 पे ओके कर दिया, क्रूज सेट कर दिया आपने। अब आगे गाड़ी खुद बखुद, ये मेरे पांव देखो, मैंने छोड़ दिया, ठीक है बिल्कुल साइड में है वो, ये वर्किंग कर रही है खुद से, देखो ये खुद रोक रही है। अच्छा काफी फासले पे रहे, तो इसका फासला कम कर सकते हैं आप, मतलब ऊपर जाके करें, वो फासला नजदीक जा करे, आगे जा के करे, गाड़ी की स्पीड पे मुनसिर है ना कि आगे अगली गाड़ी की कितनी स्पीड है। अच्छा तो ये तकरीबन यहाँ से मेरे हिसाब से 20-25 मीटर से ले रही है ये अभी, तकरीबन है ना, थोड़ा सा इसका क्रूज और बढ़ाएंगे ना, ये देखें स्पीड रिक्वायर और कर दे, 120 पे हो गई, यहाँ पे फिट कर दी ना, फिट कर दी, ये देखना वो वैगनार नजर आ रही, वैगनार दिखो, आ रही नजर, वो देखो ये खुद बखुद, ये देखो मेरा पाँव नहीं है, खुद बखुद गाड़ी रुक रही है, सारी रुकेगी उसकी स्पीड के बराबर जाएगी उसकी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अब आपके पाँव बिल्कुल पीछे है, हमारा क्रूज कितने पे लगा है, 119 पे लगा हुआ, वो शो हो रहा है अंदर, नहीं 120 पे लगा हुआ, 120 पे ना, 120 पे लगा हुआ। इस गाड़ी की वजह से ये स्लो होगी, ये देखना मैं इधर का इंडिकेटर लगाऊंगा, गाड़ी को ऐसे करूंगा, ये खुद बखुद जाएगी, अब खुद बखुद जा रही है, वो पाँव देखो, कोई मैं ट्यूटर नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वो सामने देखो, इधर लगाओ ना मीटर पे, जबरदस्त। और ये 120 पे दोबारा आ गई अपनी जगह में, आ गई अपनी जगह। अच्छा तो अगर इंडिकेटर के अलावा आप करते इंडिकेटर हैं, इसके क्या है, हार्ड हो जाता है ये, जो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता, लेन असिस्ट मतलब वर्क नहीं करता, वर्क कर रही है। अच्छा तो वर्क कर रही है, क्रूज डाउन करें जरा, स्पीड डाउन करें ना, हमने साइड में करके देखना है कि अगर इंडिकेटर के बगैर इधर करते हैं तो फिर क्या हमें आगे से वार्निंग दे रही है, ये वार्निंग दे रही है स्टीयरिंग रिक्वायर्ड की, ठीक हो गया, अच्छी चीज है ये। नहीं ये देखो ना, अब आपको फिर दोबारा ट्राई करवाता हूँ। अच्छा वैगनर सामने नजर आ रही है, आ रही है सामने नजर, अपनी स्पीड देखो जल्दी से, 120 है। अच्छा देखना ये खुद बखुद स्लो होगी, ओके ठीक है, पाँव की तरफ भी ध्यान करें भाई, ये मेरे पाँव, ये देखें स्लो होना शुरू हो गई है, गाड़ी बहुत स्लो कर रही है, जबरदस्त यार खुद बहुत। अगर आप राइट साइड से जाना चाहते हैं, राइट का इंडिकेटर लगाएं, भागेगी खुद ब खुद, भागेगी राइट ट्रैक का लगाएं, ये लगा दिया, वो देख लेन असिस्ट, ये गई रे बाप रे, खुद बहुत जा रही है, वो पाँव देख लो मेरे, नहीं हाँ हाँ नजर आ रहे हैं, 120 पे जाके फिर रुक जाएगी अपने क्रूज में। अरे यार